कुमार राम और आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं स्प्लिट स्ट्रेचिंग कैसे करें, पूरा फुल स्ट्रेच कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे अगर आप करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आपका स्ट्रेचिंग फुल खुल जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर एक रेड बटन होगा, उसको क्लिक करें और क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ में एक छोटा सा घंटा होगा उसको भी दबा लें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। इसने पूरा पैर को ऐसे ले गए और बॉडी को पूरा अप एंड अप। स्टार्टिंग में आप थोड़ा धीरे धीरे करें, लेकिन जब आपका स्पीड मतलब अच्छा होने लगा, स्प्लिट अगर अच्छा हुआ, स्ट्रेच अगर खुल गया आपका, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग वाला है, पहले आप लेग एक्सरसाइज जरूर कर लें, मैंने कर लिया है, आप भी जरूर कर लें, नहीं तो आपके पाँव में चोट लग जाएगा। चलिए देखिए कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, हाथ ऐसे रख लेंगे, हाथ यहाँ पर रखेंगे, पैर ऐसे गया, हाथ उठाने के बाद पैर को ऐसे उठा लिया, स्ट्रेच आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसी के साथ दूसरा करेंगे, ये जब करेंगे तो जितना प्रेशर, क्योंकि कोई आपको अगर दबा रहा है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं। मेरे पहले टीचर ने भी बताया कि किसी का प्रेशर देकर काम करना ठीक नहीं। आप अपने मन से दिल से अगर खुद से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और वो ज़्यादा अच्छा से खुलेगा। तो आप अपनी कोशिश करें खुद से करने के लिए, कोई जान बुझ के प्रेशर देगा, आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कौन जान रहा है, वो तो आप समझेंगे। तो आप अपने दर्द को बर्दाश्त करके धीरे 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 करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं है। एक बार में छत पर चढ़ना ठीक नहीं है, सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा देखते हैं, हमको ऐसे पैर को एक पैर का फिट ऐसे और हाथ दोनों ऐसे साइड में, डाउन डाउन अप 3, 4 and 5 ओके और ऐसे ही एरकम ऐसा गया मैं इधर से फिर से 1, 2, 3, 4, 5 फिर हमको क्या करना है, लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, सेम चीज ऐसे गए, हाथ यहाँ पर रख लिए, हाथ यहाँ पर ऐसे और एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हुआ। यहाँ से स्टार्ट किया, पहला 1, 2, 3 1, 2 and 3 1, 2 and 3। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी स्ट्रेचिंग करें उसके पहले वार्म अप कर लें, बहुत ज़रूरी है, लेग का स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज कर लें। और जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो बहुत सारे मैंने देखा है कि प्रेशर देकर उस पर करवाते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है तो उसको धीरे 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 ही करवाएं और खुद से ट्राई करें, क्योंकि आपको क्या दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है वो चापने वाले को पता नहीं है। तो अगर कहीं किसी जगह पर अगर आपको चोट लगे, थाई की जगह पर जो नस वगैरह होता है उसमें अगर चोट लग गया, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करें कि आप खुद से ट्राई करें, अगर कोई हेल्प कर दे रहा है।